क्यों कर रहा है पता नहीं मुझे। हमारे चच्चा जो है पीछे खड़ा है और सभी जो है जूझ रहे हैं इस भीड़ में, पैर रखने को जगह नहीं है। 10 से 20 है ना अंकल, मलाई मार के दीजिए लिम्बू टो करिए। हाय दोस्तों, वेलकम टू द एक सानू ट्रैवल ब्लॉग, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम यात्रा कर रहे हैं आसनसोल टू क्यूल जंक्शन। तो आज की जो हमारी ट्रेन है वो रात के 4 बजे के आसपास हावड़ा मोकामा से हम जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी जर्नी आपको बाय ट्रेन। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हमने ये टिकट कटा लिया है तो अब हम चलते हैं। टिकट कटाने के बाद एंट्री करते हैं स्टेशन के अंदर। एंट्री गेट आप देख सकते हैं। ये एंट्री गेट है और हम एंट्री करते हैं। होता है रात में ट्रैवल करना, नींद हमारी जो नींद है वो उड़ जाती है, इस समय ट्रैवल करना समझ सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है। तो हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे आएगी, तो अभी हमें वहीं जाना है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन है वो तेज रफ्तार से पार होती है। आज का जो ट्रेवल है वो मैं अकेले नहीं कर रहा, हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहें, एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। और आज बहुत ही अच्छा फील भी हो रहा है कि हम अकेले सफ़र नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ तो और भी अच्छा लगता है। तो फुल वॉच कीजिए वीडियो को और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फाइनली जो है हमारी ट्रेन हावड़ा मोकामा वो आ चुकी है मोकामा तक जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसी ट्रेन से हम अभी जाने वाले हैं। और ये प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए इस जो इसमें भीड़ है ट्रेन पे, हाँ जो है पैर रखने की भी जगह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से। और ये देखिए बाथरूम, तो बाथरूम टॉयलेट भी भीड़ है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खचाखच भरा हुआ है भीड़। कुछ कह नहीं सकते हम इस माहौल को लेकर। तो फ्रेंड्स देखिए कितना जो भीड़ है, समान तो समान आदमी इस प्रकार जानवर के रूप में किस प्रकार जो है फेस कर रहे भीड़। ये देखिए हमारे चच्चा जो है पीछे खड़ा है और सभी जो है जूझ रहे हैं इस भीड़ में, पैर रखने को जगह नहीं है। और अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस ये सब देखकर। मैं तो ट्रैवल करते रहता हूँ तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी भी आपको मौका मिले इस तरह के तो हिम्मत बांध के रखिएगा इसे भीड़ का, वरना आपसे वरना हम जैसों के इतना ठेठ होना पड़ेगा ऐसे कुछ में। हालांकि ये स्लीपर बोगी है तो हम चढ़ गए हैं, हमने नॉर्मल टिकट कटाया था, क्योंकि भीड़ इतना था इस वजह से हमने स्लीपर में चढ़ा। और टीटी आएगा तो इसका कोई डर नहीं है हमें, क्योंकि इतना भीड़ देख के वो भी नहीं चढ़ने वाला। तो आप भी ऐसे कीजिएगा अगर आपको सीट इतना। हाँ लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात बोला भाई ने कि एक मूव जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि कमर धर लेगा आपको इतना भीड़ में। तो वीडियो में बने रहो, वॉच करते रहो फुल। आगे आपको दिखाते पूरी कहानी। देखिए किस प्रकार जो लोग बैठे हुए, भीड़ काफी ज्यादा है यार, ज्यादा नहीं है बहुत। देख रहे बाथरूम तक रुके हुए, बाथरूम तक चच्चा फंसे हुए। ये देखिए चच्चा आने के लिए छटपटा रहे हैं। अरे आने दो भाई इसको। गेट के पास जो है
पैसेंजर किस प्रकार जो हाथ से जो अपना भार देकर वजन आपको सहारा देते हुए, काफी ज्यादा भीड़ है, हल्का सा ठेला ठेली होने पर ये लोग भी निखलपुर पहुंच सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन चचा को आने दो रे भाई, करना चाहिए कहाँ जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम आए हुए अपने फ्रेंड के साथ जो ट्रैवल कर रहे हो, कितना मजा लग रहा है इस भीड़ में। ये देखिए चारों तरफ आपको झोला झपटी सब नजर आएगा, खपटी उपटी सब। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी मेरा एक भाई है पीछे खड़ा है, और बहुत ही भयानक वाला भीड़ है। हालांकि मॉर्निंग का टाइम है, आप देख सकते हैं बाहर निकल रहा है सूरज जो है वो निकलेगा, स्लीपर है वो, और हम लोग स्लीपर कोच में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है वीडियो में कि हम लोग जनरल टिकट कटा के स्लीपर में चढ़े हुए मजबूरी के कारण, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ये जान के रखिएगा, ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। एक बार फिर से हम लोग जूझते हुए इस भीड़ भरी ट्रेन में, आप देख सकते हैं पैर रखने का जगह नहीं है, सारे जो पैसेंजर है वो अपने अपने जगह पर चिपके हुए इस तरह बने रहे, और आपको दिखाते आगे का व्यू। भाई ऊपर ही खड़ा हुआ, भाई देख लिया आर्टिस्ट को। कोई फायदा नहीं है, क्या हुआ जगह पे खड़ा है, कितना है 50-51 पार्टी पीछे तो दोस्तों हम अभी झाझा स्टेशन में है, दानापुर मंडल का सबसे बड़ा स्टेशन में से एक है ये झाझा स्टेशन, देख सकते हैं आप। 10-20 है ना अंकल, मलाई मार के दीजिए लिम्बू टोकरी। तो अभी हम चना खाते हुए दोस्तों देख सकते हैं, फ्रेश चना सुबह का नाश्ता है जो। जल्दी बनाइए फ्रेश करके। तो हम आ गए हैं बाढ़, और इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज है बख्तियारपुर। काफ़ी धूप नज़र आ रहा है मुझे, हालांकि ट्रेन रुकी हुई है, 5 मिनट से ये रुकी हुई है, अभी तक पता नहीं कब चलेगी, लेट चल रही है ये, 1 घंटे लेट चल रही है, तो देखा जाए कब तक ये पटना जंक्शन पहुंचाती है मुझे। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो पटना साहिब पहुंच चुकी है, देख सकते हैं, उसके बाद खुसरूपुर राजेंद्र नगर और पटना जंक्शन आएगा, तो वीडियो को वॉच करते रहें। तो आज का जर्नी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग कर देने वाला था, काफ़ी गर्मी झेलने को पड़ी, साथ ही जो है इतना स्टॉपेज इस ट्रेन का कि कुछ कह नहीं सकते। फ्रेंड्स तकरीबन 8 घंटे के अंतराल पर हम जो है पटना जंक्शन पहुंचने वाले कुछ ही देर में, तो हमारी ट्रेन बस अब इसका लास्ट स्टॉप पे जाने वाला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और सपोर्ट करते रहें, और अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए, और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों फाइनली हम पटना जंक्शन इन कर रहे हैं, 8 घंटे के लंबे अंतराल के बाद, दिमाग मेरा पागल हो गया इतने लंबे सफ़र के बाद, क्योंकि इस ट्रेन का स्टॉपेज इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हुआ मुझे। ये देखिए कुछ जो है धनबाद पटना इंटरसिटी, ये जो है लोको शेड में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये ब्रिज आप देख सकते हैं, पटना ब्रिज जो है
इसके ऊपर से मोटर गाड़ियाँ निकलती हुई। और ये बाबू क्यों कार रहा है पता नहीं मुझे। कैसे भैया दस थैंक यू माई ऑल फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई ट्रैवलिंग ब्लॉग वीडियो। इसी तरह से आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो लेकर आए। सो आज का जो है एक्सपीरियंस भीड़ भाड़ में काफ़ी स्ट्रगल करके हमने ट्रैवल किया, तो बताएं वीडियो कैसा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत। चलिए बढ़ बढ़ Let's see the Patna railway station। और हम जो है पटना जंक्शन पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। ओवरऑल आपको कार शेड मिलेंगी एंड उधर बस स्टैंड मिलेगा सामने की तरफ।